बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और हम इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डैवोस में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश जेजुरीकर जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा से। इन इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या माहौल बन रहा है? आप यहाँ पे आए हैं, आई एम श्योर थोड़ी मीटिंग्स भी होंगी पर्सपेक्टिव के लिए या जैसे भी हो, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में काफ़ी कहा जा रहा है, आपका क्या व्यू है? तो नीरज जी, ये एक ज़रूरी इनपुट जो आपने कहा अभी कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी, क्योंकि जब पूरा ग्लोब स्लो डाउन में जा रहा है, रिसेशन दिख रहा है हर जगह और पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन, इंडिया एक शाइनिंग कंट्री है जो ग्रोथ की बात कर रही है। एंड इसी वजह से आई थिंक मोस्ट पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द इंडिया स्टोरी, क्योंकि इन अ वे इंडिया डीकपल हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी से। और इसका मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन की आदत लोगों को हो चुके रहे, तो 6-8% इन्फ्लेशन हम लोग ने बहुत बार देखा, हम लोग देख चुके हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1-2% से ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। अब उन लोग 7-10% इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में कंजम्पशन नेचुरली वहाँ कम हो रहा है, एंड दैट्स गोइंग टू हैव अ स्लो डाउन। तो दैट्स द रीज़न आई थिंक इंडिया रिलेटिव इन्फ्लेशन बहुत इज रिलेटिवली नथिंग कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर इंडिया में 7-8% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 7-8% है, देन नॉट एट ऑल कम्पेयरेबल। हाँ, इंडिया में तो शायद सेवर्स रिजॉइस कर रहे होंगे कि चलो फाइनली ब्याज दर बढ़ रहे हैं, हाँ, तो हमारे इंटरेस्ट पे हमें कुछ मिल रहा है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, एक आपकी ऑटोज पे और ट्रैक्टर्स पे तो पकड़ है ही, बट मैं सिर्फ जानना चाहूँगा एज फ्रॉम अ 50,000 feet व्यू अगर आप देखें, तो क्या ये जो वेस्टर्न स्लो डाउन है वो भारत को बहुत इम्पैक्ट करेगा या रिलेटिवली अनस्केथ जिसे कहते हैं वी विल एस्केप? आई थिंक ये सेक्टर स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मेरे ख्याल से गारमेंट एक्सपोर्ट्स, जस्ट टेकिंग दैट एज अ सेक्टर, वी डोंट प्ले दैट, बट दे हैव अ वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन द ग्लोबल मार्केट्स, राइट? तो नेचुरली कोई सेक्टर्स में इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल स्लो डाउन का, बट जहाँ इंडियन मार्केट या डोमेस्टिक कंजम्पशन इज योर प्राइमरी बिजनेस, वहाँ दोज कंपनीज विल प्रॉब्ली बेनिफिट कंपेयर टू दोज विच आर प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ओके, एज अ बिजनेसमैन आप कौन सी स्टेटिस्टिक को सबसे ज़्यादा बारीकी से देखेंगे 2023 के साल में? US रिसेशन, यूरोप रिसेशन, या US स्लो डाउन, यूरोप रिसेशन, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो वो, या कुछ और? सो अपार्ट फ्रॉम इंडियन, जो इंडियन इकोनॉमिक यू नो डेटा है जो हम लोग नेचुरली देखेंगे, ग्लोबली एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है कि व्हाट आर द थिंग्स विच विल इंपैक्ट सप्लाई चेन। और अभी भी स्ट्रेस में है, हाँ, क्योंकि चाइना अभी भी पहले लॉकडाउन में था और अभी कोविड क्राइसिस में है, तो चाइना इज वेरी अनसर्टेन एंड वोलेटाइल। नाउ दे हैव ओपनड अप, बट बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल आर फॉलिंग इल, देयर इज इम्पैक्ट। सेमीकंडक्टर्स की चैलेंजेस अभी भी हैं, हाँ जी। सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्लोबल इकोनॉमिक के क्या पैरामीटर्स है जिससे एक तो कमोडिटी प्राइस मूव होगी डाउनवर्ड या विल रिमेन सेम या व्हाटएवर। सो आई थिंक दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड व्हाट विल ओपन अप सप्लाई चेन्स। आई थिंक दीज विल बी टू थिंग्स दैट वी विल वॉच फॉर। चलिए, उम्मीद है कि कमोडिटी प्राइसेस तो डेफिनेटली क्रैक होगी। लास्ट क्वेश्चन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपकी जो डिवीजन आप देखते हैं उसकी ग्रोथ रेट के बारे में कोई राय? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइडेंस दीजिए, बट आपको लगता है कि जो ग्रोथ रेट पास में रही है वो चल सकती है? देखिए, ग्रोथ रेट पास्ट और वी जस्ट अभी हमारी इनपुट ये रहेगी कि मोमेंटम इज गुड, सो ऑटो विल कंटिन्यू टू हैव अ गुड ग्रोथ। वी हैव हैड अ वेरी हाई ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ टू थिंग्स, एक तो ऑटो में, क्योंकि वी हैड अ कोविड रिलेटेड इम्पैक्ट, तो एक लो बेस था, वी रैन इनटू शॉर्टेजेस फॉर सेमीकंडक्टर, तो लो बेस था। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमारे जो 3-4 launches हैं 4-5 SUV launches have been very successful. So they all have played out this year, right? Sure. So naturally now from here the percentage growth is not going to be like what we had this year, because this year we saw almost 60-70% growth, but we are optimistic about good growth. All the best for that, and thank you so much hamare sath baat karne ke liye. Thank you, Neeru. Nice talking. Thank you, and darshak hamare sath judne ke liye dhanyawad.